मैं सरदार साहब से ये अर्ज करता रहता हूँ कि मजमी इस्तेमाल पर मैं जाने तकरीर करने से गुरेज करता हूँ, इससे कि जिस बात का पता ना हो नाजुक मामला होते हैं। या वो भी है जिन्होंने कहा कि जिस तरह रसूलुल्लाह को अल्लाह ने उनकी तरबियत की, मेरी भी तरबियत की है। वो आज मैं उनके बड़े सबसे बड़े मनसब पर मौजूद हैं, लेकिन उल्मा कराम ने कोई नोटिस नहीं लिया इस बात पर, अफसोस है। फिर और भी बहुत सारी बातें की गई, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा परहेज करता हूँ जाने में। गुजारिश है आप करना चाहता हूँ कि सुबह मैं टीवी देख रहा था तो बड़ा सिक्योरिटी कर दे रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि यार हम किस तरह के मुसलमान हैं कि आज उस इंसानियत का दिन मना रहे हैं, उनकी आमद का, अल्लाह के रसूल का, खातमुन नबीयीन का, दुरुस्त हदायत के मुंबे का, और हम मुसलमान हैं और हम सिक्योरिटी के इंतजाम में दिन मना रहे हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से हमारी कोई बदबख्ती नहीं है। क्या हम किस तरह के मुसलमान हैं, क्या कौम है हम? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन भी हम सिक्योरिटी में मनाएंगे? शर्मानी जी हम सबको समेत मेरे, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। दूसरा, आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का क्रिकेट मैच हो रहा है वनडे में, लगता है पड़े उन लोगों को जिन्होंने आज के दिन ये मैच रखा। शर्म नहीं आती उनको? ये हाल के दिन रखना था आपने, एक दिन आप बाद में रखते थे ना, मैं नहीं कहता ना खेले। इस तरह के हुक्मरान आप फ्रांस वालों को कहते हैं जो ये कर गए वो कर गए। मैं कोई किसी मुखासमत से नहीं कर रहा, वैसे तो मुसलमान कह रहा हूं आपसे बात, रसूलुल्लाह का उम्मती होने की ऐसी ऐसी बात करता हूं। दूसरा, मैं सुबह बैठा हुआ था, कोई फाइलें अपनी चेक कर रहा था सरकारी, सामने आवाज आ रही थी कोई खतीब साहब मेंबर पर हमलावर थे, बातें सीरत की बयान कर रहे हैं और खुद इस तरह तकरीर कर रहे हैं जैसे कोई पत्थर मार रहा है। अभी ये अलामा साहब ने यहां गुफ्तगू की बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, रसूलुल्लाह का क्या अंदाज था बात करने का, सौ इकराम में बैठकर किस तरह गुफ्तगू करते थे। वो लड़ाई झगड़ा ना करें ना, तो समझ ही नहीं आती आपकी बात, आराम से बात करें जिस तरह भी यहां पर बात हुई है, गुफ्तगू हुई है। तो रसूलुल्लाह का तरीका अपनाया ना गुफ्तगू करने का, ये तो मेरी गुजारिश है। मैं सबसे कहता हूं आप जब मेरे रसूल पर खड़े होते हैं तो फिर ख्याल रखा करें, आप किसी सियासी जलसे में नहीं खड़े, किसी हड़ताल में नहीं खड़े कि लोगों को आप उबार लेंगे। आज जिस तरह चिश्ती साहब ने फरमाया कि ये रेगुलर हमने मुझसे रसालत की तकद्दस को बरकरार रखने के लिए मना रहे, खास तौर पर ये भी इसमें एक चीज आ शामिल हुई, एक तो रसूलुल्लाह की विलादत, उनका लहूर इस दुनिया में। मैं चिश्ती साहब से भी कह रहा था कि आपने तहकीक करके बयान करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कायनात में और मक्का में क्या रखा था, उसका क्या क्या निशानियां दौर हुई रसूलुल्लाह की आमद, ये आपको मुझे पता होना चाहिए। बात यह है कि जो कुछ आज फ्रांस में हुआ हो रहा है, जो उसने किया फ्रांस के सफर में, जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, एक तो उस बदबख्त ने वो खाके वीजा करवाए, लेकिन जो उसके अंदर बुनियादी बात है उसने ये कही कि अफरा तफरी का मजहब है ये इस्लाम, और हम फ्रांस के अंदर नए तरीके का इस्लाम नाफिज करेंगे, ये वो बुनियादी बात है।
अगर मुसलमानों ने इस पर कोई इकदाम न उठाया तो फिर मगरब के अंदर, ये मेरी बात याद रखे, फिर एक नई कर्ज का इस्लाम नाफिज करने की कोशिश की जाएगी। ये मेरी बात याद रखे। सबसे खतरनाक बात इसके अंदर ये है, और मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और इस बारे में 54 या 56 जो भी है इस्लामी ममालिक, ये इस मुहिम का मुकाबला करने के लिए तैयार हो।